जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व अलैकुम और बस्तर आबाद शाद रहे जी मेरी YouTube फैमिली। तो जी बात आज खुल गई हमारी, ये जी प्रोफेसर साहब लेके आए हैं प्रूफ हमारे लिए, मैसेज जिस मैसेज ग्रुप में बनाया था हम लोगों ने, मेरे बेटों ने और प्रोफेसर साहब ने, उस ग्रुप में ये प्रोफेसर साहब भी थे, मेरे बेटे भी थे और बच्चियां भी थी, क्योंकि ये हमारा फैमिली मेंबर था, बहुत ही अच्छा दोस्त था बाबर दिलबर का। तो बस उसके बाद जैसे जो बातें होती रही हैं, इसके पास पहले थे ही वाइसें थी, ये इसके पास पहले थे ही थी। तो ये जब से ये बातें शुरू हुई है ये पहले नहीं लेके आया, क्यों वजह भाई, पहले आप लेके आते ना, आप तो सलमा बेटी के भाई हैं, पहले लेके आते हैं, क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि आपने सोचा जब आग ख़त्म होने लगेगी फिर मैं जाके जलाऊंगा इसे, फिर लोगों को नया दिमाग में दिलाऊंगा यार यह क्या हो गया है, ये मैं लेके आ गया हूँ। अरे भाई वो मेरी बहन है जी, वो मेरी भी बेटी है, तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ के हो, तुम तो मेरी लैंग्वेज के भी नहीं हो, तुम्हारी कहाँ से बहन आ गई? अगर तुम बहन बनाते बेटी बनाते तो सितारा को भी बनाते। अरे भाई जहाँ तुम खा पी के गए उसी को बहन नहीं बनाया जो सऊदी अरब में बैठी हो, कहाँ से बहन बनाओगे? तुम नोटों के यार हो, नोटों के, तुम्हें डॉलर आ रहे हैं ना कहाँ, जहाँ से वहाँ जाके भागते हो। दो दिन तो तुम्हारा कोई चैनल पर बात ही नहीं थी, क्यों? तूने बोझा भी आप ही, जब आग ख़त्म होगी मैं जाके जला दूंगा। तुम हक और सच के लड़ रहे हो जी, तूने खुदा को जान भी देनी है, हमने नहीं देनी। ओ भाई क्यों मेरे घर के पीछे लग गए हो, क्यों मेरी फैमिली के पीछे लग गए हो तुम? चलो तुम्हें अगर इसी से आग जलाने से फ़ायदा मिलता है तो ठीक है, चुगलखोर को खुदा भी नहीं बख्शता। आपको पता है ना आप करते बातें इस्लाम की, तो भाई जो बात इधर की सुन के इधर करता है ना उसे खुदा भी नहीं बख्शता, तो तुम्हें कैसे बचकेगा? चल ठीक है करते रहो भाई, तुम्हारी मर्जी है, जितना और भी मैं कुछ हो तुम्हारे पास बुलाओ सामने, बस अगर आपके पास ज़्यादा कुछ है तो लेके आओ, आपसे बात ख़त्म होती है, ये आपके घर की बात है तो आप ख़त्म कर दें, ये मेरे घर की बात है भाई, हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे ही भड़काते हो, ऐसे ही भड़काते हो, आपको तीले जाकर नीचे से गैस चलाते हो, चलो पिछाँ ऊपर जाए बात, क्या के हम व्यूज़ कमाएँ, बस व्यूज़ का चक्कर है, कोई किसी की बहन नहीं है भाई, आपकी कोई बहन नहीं है, आपको व्यूज़ का चक्कर है बस। सलमा बेटी मेरी बेटी है, सितारा भी मेरी बेटी है, हमें ज़्यादा दर्द होता है ये खून हमारा है या आपको ज़्यादा दर्द होगा? हर किसी को अपनी माँ बहन रिश्तेदारों का दर्द होता है, तो हमें जितना दर्द है आपको इतना दर्द नहीं है, आपको नोटों का है या नाम का नाम कमाने का, भी मेरे व्यूज़ इतना बढ़ जाए, आप इससे जाके पहले पीछे देख ले आपके इतने व्यूज़ आ रहे थे इससे पहले, ये जो बात आपने छेड़ रखी है ना, इससे पहले मुझे बताएं आपके कितना व्यूज़ हैं, अगेन आपके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, आपने ये बात छेड़ रखी है मैं भी कुछ हो जाऊं, तो भाई और कुछ ले लो, कुछ और व्लॉग बना लो, और भी बहुत सारे काम हैं वो कर लो, तो मेहरबानी करो। यो जी को बताते हो कि पंजाब से भाग के गया, वो जी हमारे घर का मसला गया, हम भाग के गए कराची गए तो मसले को कुछ सुलझाने के लिए, नोटों के लिए नहीं गए, हमारे घर का मसला है हम सुलझाएंगे और आखिरी दम तक सुलझाएंगे, हमारी दोनों बेटियां, मैं आज भी कह रहा हूँ कल भी कह रहा हूँ कि मेरी दोनों बेटियां हैं, सितारा भी बेटी है, सलमा भी, जो हक होगा हम इंशाल्लाह वही करके रहेंगे, ये जो बातें हो रही है ना इधर उधर से वो नहीं होनी, जो हम कहेंगे वही होगा, जो हमारे घर का मसला है ना हम नहीं ख़त्म करना है, आपने नहीं करना, आपके घर का मसला नहीं मेरे घर का मसला है, इंशाल्लाह मैं ख़त्म करके रहूँगा और इंशाल्लाह जल्द जो गलत फहमी आ रही है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मेहरबानी करें आप लोग जो है ना जितना बढ़ा रहे हैं ना काम को, हला चला रहे हैं वो ख़त्म कर दें, तो झूठ सच जो है ना सामने, अब सितारा भी सामने आ गई है YouTube के सामने और सलमा भी आ गई है, जो उनके ज़बानी बात होगी ना वही बिल्कुल सही आ रही है, तो इंशाल्लाह झूठ सच सब ना सामने आ जाएगा, क्योंकि पहले हमसे घर से नहीं निपटा गया, अगर घर की बात घर में रह जाती तो आप लोग ऐसी बातें नहीं करते। खैर जितना जिसको आग भड़कानी है भड़का ले, क्योंकि हमारे घर का मसला है घर को रहने देते,
इसमें आप लोग बहुत सारी खराबियां कर रहे हैं। किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी सुन रही होगी भी ये हमारे घर की जो बातें हो रही है, बहुत गलत तरीके से आप बातें करते हैं, बहुत गलत तरीके से करते हैं। रोज इस्तारा यासीन सलमा यासीन, इस्तारा यासीन सलमा यासीन, तो किसकी बेटी हुई? मेरे भाई की बेटी यासीन की, यानी कि मेरी बेटियां हुई, आप लोगों की नहीं। जो आप लोग झंडा लेके आ जाते हैं ना तीली लगाने के लिए, आपकी नहीं भाई। जो मेरे अच्छे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। अल्लाह करे हंसते और बसते रहे, आबाद शाद रहे। जो मेरी अच्छी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा साथ दे रही है, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे अच्छे कमेंट्स कर रही है, अच्छे मैसेज भेज रही है, मैं उनको सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करे हंसते और बसते रहे। और जैसे भी कोई रिएक्शन देगा, कोई बात करेगा भाई, मैं उसे ज़रूर जवाब दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा। किसी किसी का कुछ बातें मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है, तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर सामने लाऊंगा। अच्छा जी, कोई ऐसे ऐसे ना बंदे हैं मोटे से, वो भी कह रहे हैं व्यूज़ के लिए। उसके भी क्या व्यूज़ आते थे, जिन्होंने बेटियाँ बनाई हुई थी, किसी ने बहन बनाई हुई थी। कहाँ गई आपकी बहनें, कहाँ गई बेटियाँ? तो अब तो दोनों जो है ना खिलाफ आ गए, आपकी एक बेटी बन गई, एक खराब हो गई। अरे भाई, दोनों आपकी बहन बेटियां हैं, आप भूल गए मेरे ख्याल में, जो आपकी बहनें थी बेटियां थी, आप तो खिलाफ आ गए। बहुत नमक हलाल लोग हो तुम लोग, कमाल कर दिया। ऐसे नमक हलाल लोग जो है ना बहुत सारे होने चाहिए हमारी फैमिली के लिए। अब तो सब ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, दिलबर ख़राब हो गया, बाबर भी ख़राब हो गई, सब ख़राब हो गए। क्यों? को आपको लोगों को दावत नहीं दी उन लोगों ने, दावत देते तो बहुत अच्छे होते। कमाल है जी। तो वहाँ से मेरे ख्याल में ज़्यादा दावतें मिल रही हैं आप लोगों को। खैर, मैं कहीं की बात नहीं करता, तो फिर भी यही कहूँगा कि ये हमारा घर का मसला है, घर में रहने दें, हम ही सुलझाएंगे। फारूक उसका बड़ा भाई है, बाप की जगह है, उसकी माँ भी जिंदा है। आप माँ नहीं बने, उसकी माँ है, माँ माँ होती है, कुछ भी हो जाए वो दोनों बेटियों के लिए माँ है, किसी को नहीं उसी ने छोड़ा। एक के साथ बैठी है, एक उससे दूर है, चाचे भी वही हैं उसके। तो आप समझ लें मेरी बात, समझ रहे हैं ना? तो हमारे घर की बात है, हम घर में ही ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक के। आप ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को तो हम भी जल्दी सुलझा लेंगे, लेकिन आप लोग सुलझाने ही नहीं देते भाई। आपकी बड़ी मेहरबानी है, जैसे आग आप लोगों ने लगाई है ना, ऐसे लगाते रहे। ये तो अच्छा हुआ, हमारी बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली है जो हमें अच्छे मैसेज कर रही है और हमारा हौसला बढ़ा रही है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छे मेरे यूट्यूब फैमिली है जो हमारा साथ दे रही है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जो इतना मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने हमारा साथ दिया बहुत अच्छे कमेंट्सों से, बहुत अच्छी बातों से, बहुत अच्छे मैसेज, टेलीफोन और कॉल करने का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम जी।